हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल विद्या। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ जीके के क्वेश्चंस जो कि 4 अक्टूबर 2017 में एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमें कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू मिले हैं जो कि इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है अमेजोन नदी स्थित है, अमेजोन नदी कहाँ पर स्थित है? तो इस अमेजोन नदी स्थित है दक्षिण अमेरिका में। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है FICCI का पूरा रूप, मतलब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा आर्टिकल से रिलेटेड है, पॉलिटी से। तो इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 360 किसके बारे में है, मतलब आर्टिकल 360 किसके बारे में? ये है वित्तीय आपातकाल, यानी कि आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा ये है सोडा पानी का पीएच स्तर, इसमें सोडा वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो पूछा गया है। तो इसका सोडा वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो होता है 3 to 4, और इसमें मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी भी दे दूं। फ्रेंड्स, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनका पीएच लेवल होता है 2.5 से 4.5 तक, और जैसे कि कोक और पेप्सी हमारी होती हैं उसका पीएच लेवल होता है 2.5। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसके साथ साथ दो तीन क्वेश्चंस और करा देता हूँ पीएच लेवल से रिलेटेड, जो कि हो सकता है इसकी जगह पर और किसी चीज़ का पीएच वैल्यू पूछ लें। तो फ्रेंड्स, मिल्क का पीएच वैल्यू होता है 6.5 to 7, और कॉफ़ी का पीएच वैल्यू होता है 4.5, और वाटर का पीएच वैल्यू होता है 7। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने एक कोशिका के नाभिक की खोज की, मतलब इसमें डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक कोशिका के नाभिक की खोज किसने की, वह है रॉबर्ट ब्राउन। ये क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल किसने डिस्कवर किया था, वो है रॉबर्ट ब्राउन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश का कार्य, मतलब फंक्शन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का के दौरान सनलाइट का सूर्य की जो प्रकाश होता है उसका फंक्शन पूछा गया है कि उसका फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास ऑप्शन तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन इसका है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट का जो वर्क होता है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, और उससे वो शुगर को चेंज कर देता है, मतलब शुगर को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने के लिए जो सन की जो एनर्जी होता है होती है उसका प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल को पास करने के लिए किस सदन की अनुमति अनिवार्य होती है? इसमें पूछा है कि अगर हमें हमारा कोई बिल पास होने जा रहा है तो उसमें हमारा लोअर और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की अनुमति ज़रूरी होती है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को रिव्यू कीजिए। फ्रेंड्स, हम ऐसे ही आपके पास और क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते रहेंगे हम आपके पास क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।